मैं आपकी अनुमति से अली खट पानी विवाद को लेकर चल रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले कल भी मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर इस विषय पर चर्चा की थी, इसलिए मैं इस विषय पर बहुत लंबी बात का आज करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये विवाद काफ़ी पुराना है, पहले भी इस स्कीम को बनाने के प्रयास हुए थे। उस समय भी मैं वहां के जनप्रतिनिधियों को लेकर उस समय के आईपीएच मिनिस्टर ठाकुर महेंद्र सिंह जी से मिला था और उस स्कीम का काम रोका गया था। अब ये दोबारा स्कीम बनने का काम शुरू हुआ, इसलिए वहां पर विवाद खड़ा हुआ है। और वहां पर ये आंदोलन कोई राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन एक संघर्ष समिति बनी है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, जिसमें दोनों जिलों के लोग हैं, सभी राजनीतिक दलों के भी लोग हैं और बिलासपुर जिला ही नहीं, सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के नवगांव के भी उसमें लोग, क्योंकि अली खट से सिर्फ बिलासपुर को जो 24 पीने के पानी की 7 सिंचाई की स्कीमें हैं वही प्रभावित नहीं होंगी, जो अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 4-5 स्कीमें चल रही हैं, वहाँ के लोगों को आशंका है कि ये पानी हमें ही पूरा नहीं होता, आप 7-8 पंचायतों को दोगे तो हमें उस पर असर पड़ेगा, इसलिए वहाँ के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। और जब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके पास जल शक्ति विभाग था प्रतिनिधि मंडल लेकर ऊना में 31 जनवरी को मिलने गया था, तो वहाँ के नवगांव के भी प्रतिनिधि मेरे साथ थे और सारा विषय हमने उप मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाया था। उससे पहले प्लानिंग की मीटिंग में भी विषय उठा था। 1 फरवरी को ज्वाइंट एक्शन जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी का गठन सरकार ने किया था और हमने कहा था जब तक रिपोर्ट नहीं आती काम रोक। अध्यक्ष महोदय, स्थिति भयंकर इसलिए हुई कि वो काम रोका नहीं गया। उप मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बावजूद भी वहां काम चलता रहा। हम 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, इन्होंने भी कहा, इन्होंने भी निर्देश दिए काम रोकने के, परंतु उसके बावजूद काम चलता रहा और काम चलाने के लिए वहां पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भेजी। काम ठेकेदार चला रहा है और ठेकेदार को प्रोटेक्शन देने का काम पुलिस कर रही है। मैंने कल भी पूछा था, डिप्टी सीएम सीएम के निर्देशों के बावजूद